कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद रखती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया है गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी आईफोन 12 प्रो मैक्स का थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू शॉर्ट सा शेयर करती हूँ। तो चले खोलते हैं साथ में। लेकिन मुझे इस दफा इनकी सबसे ज्यादा खराब और बुरी चीज आईफोन की ये लगी है कि इतने महंगा फोन होने के बावजूद ना तो इसमें चार्जर इन लोगों ने दिया है और ना ही इन्होंने इसमें वो डाला है हैंड ट्री। तो मैंने ये कलर लिया है, ये ग्रेफाइट ग्रीन है, लाइक इट्स लुक लाइक, मैं सोच रही थी थोड़ा डिफरेंट कलर मेरे दिमाग में था, ग्रेफाइट ग्रीन, और काफी अच्छा लुक लग रहा है इसका। कैमरा भी काफी वाइड है, मतलब इसका तो बिगेस्ट सेंसर है ना कैमरास का। तो सी हैव अ लुक, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। खैर चलें स्क्रीन इसकी करते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस दफा मैंने, पहले मेरे पास वाइट भी है गोल्डन भी है, इसलिए मैंने ये कलर चूज किया है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड तो कहते थे ब्लू ले लो, लेकिन गोल्डन कह रहे थे पहले, फिर इन्होंने कहा ब्लू ले लो, फिर खैर मैंने तो नहीं लिया है वो कलर, ये ज्यादा मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में बस ये इसकी चार्जिंग के लिए है और ये चीजें हैं इसके साथ में, स्टिकर्स वगैरह। और तो कुछ भी नहीं निकला, ये है। इसको पता नहीं कहाँ लगाएंगे हम लोग, फ्रिज पे लगा लेंगे शायद। ये स्टिकर्स तो मुझे आज तक समझ नहीं आता है कि ये स्टिकर्स ये एप्पल वाले क्यों देते हैं और लोग कहाँ लगाते हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो खैर ये था छोटा सा रिव्यू मेरे न्यू आईफोन का। मतलब रिव्यू से मुराद अभी इसे जब मैं ओपन करूंगी और फिर मैं इसे यूज करूंगी तो इसके कैमरे वगैरह का रिव्यू तो मैं आपको तब दूंगी। तो बस ये छोटा सा आपके साथ शेयर करनी थी अपनी छोटी सी एक खुशी, लाइक लुक दिस कैमरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मुझे न्यू कैमराज का, उसका मोबाइल्स का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब मैं एवरी टू इयर्स में नया मोबाइल लेती ही लेती हूँ। तो खैर ये उनकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट था मेरे लिए, तो खैर आपके साथ शेयर कर रही थी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देखें बहुत खूबसूरत है। खैर मैंने इसका मैं हमेशा जो है वॉलेट वाले लेती हूँ इसके कवर्स, ये मैंने इसका कवर भी मंगवाया हुआ है, लेकिन मैं दूसरा मंगवाऊंगी ट्रांसपेरेंट समटाइम, वो ज्यादा उसका अच्छा हुआ आता है। मैं इसलिए हमेशा ये वाले ले लेती हूँ, इससे सेफ्टी मुझे लगती है कि फोन की जो है सेफ्टी रहती है, इस तरह से ना सेफ रहता है। बच्चे है ना तो फोन वोन गिर जाए तो कोई इतना खतरा नहीं है कि टूट जाएगा है, जिससे मेरा कभी भी फोन के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ इस तरह के लेने के लिए, जॉब पे भी जाओ तो। लेकिन मैं एक और दूसरा लूंगी आप लोगों के साथ, वो भी शेयर करूंगी, और अब मैं इसका कैमरा वगैरह जब यूज करूंगी तो उसका रिव्यू आपके साथ करूंगी कि इसका कैमरे का रिजल्ट कैसा है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।